नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छोटे बच्चे के लिए कैप बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 80 फंदे बॉर्डर में डाले हैं और 6 लाइन का बॉर्डर बनाया है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा के का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद ये वाला डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन को मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 80 फंदे ये टोटल हैं, तो मैंने इसे 6 इंच तक बुना है। 6 इंच बुनने के बाद, चूँकि इसमें 40 फंदे हैं, सॉरी 80 फंदे हैं, तो हम 40 फंदे सीधा सीधा बुन लेंगे और 40 फंदे बुनने के बाद इसे उल्टे की तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और उल्टा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट दोनों में से एक एक फंदा लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे पे चढ़ा लेंगे। इस तरह करने से ये दोनों ये बीच में जॉइंट होता जा रहा है। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और तीसरी सिलाई पे दो फंदा हो जाने के बाद पीछे वाला फंदा उठा के आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। देखिए, ये हमारा जुड़ना शुरू हो गया है। ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे जोड़ लेंगे। और इस तरह करते हुए हम सारे फंदे उतार लेंगे और इस धागे को काट देंगे। अब हमारा ये टोपी बन गया है और अब हमें इसमें रस्सी लगाना है। तो इसके लिए हम अपने बॉर्डर वाला ऊन लेंगे और सिलाई ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे उंगली यहाँ पे ऐसे पकड़ा, उंगली इसके नीचे लाएंगे और ऐसे घुमा के इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ऐसे करते हुए हम 20 फंदे, ये हमारे फंदे बनते चले जा रहे हैं, 20 फंदे बना लेंगे। ये 20 फंदे हम बना लेंगे और उसके बाद अपना टोपी उठाएंगे और फिर यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। इसी को ऐसे करेंगे, सीधे की तरफ से हमें फंदे उठाने हैं और एक एक फंदा ऐसे उठाते जाएंगे। इसके पहले वाले टोपी में मैंने 크로시에 से इसमें डोरी बनाना बताया था और आज हम सिलाई से डोरी बनाएंगे। ऐसे फंदे उठाते जाएंगे, बीच में हम थोड़े दूर दूर पे फंदे उठाएंगे। ये देखिए हमारा जॉइंट है, यहाँ बीच में यानी पीछे की तरफ हम थोड़े दूर दूर पे फंदे उठाएंगे ताकि यहाँ पे कर्व जैसा आ जाए। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे उठा लेंगे। और फंदे उठ जाने के बाद हम वापस इसमें ऐसे 20 फंदे नए बना लेंगे। इधर भी हमने 20 फंदे बना लिए और इधर भी हमने 20 फंदे बना लिए और अब हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए
वैसे बॉर्डर की तरह बनाना शुरू करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। और जब यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा तो ऐसे करके हम एक नया फंदा बना लेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। और जब ऐसे जगह बढ़ जाएगा तो हम उसमें एक नया फंदा बना लेंगे। और जब यहाँ पे देखिए, जब डिस्टेंस हो जा रहा है तो ऐसे घुमा के एक नया फंदा बना लेंगे। पहली लाइन में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि ये टाइट होते हैं, तो थोड़ी सी हमें परेशानी होती है। और फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए दूसरी तरफ आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे तरफ भी हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे बुनते हुए बॉर्डर बनाएंगे। और जब स्पेस बढ़ जाएगा तो एक नया फंदा बना लेंगे। और फिर सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन, हमको 6 लाइन बनाना है। अब ये हमारा 6 लाइन कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए उतार देंगे। दो फंदा बुना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। अगला फंदा सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट उल्टा, तो उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे उतार देंगे। तो मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल और इजी टोपी बनके तैयार है। बनाना बहुत ही आसान है। यदि आपको छोटा बनाना हो तो फंदे आप कम कर देंगे, और ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो फंदे ज़्यादा कर देंगे, और उसी के अनुपात में चौड़ाई भी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, टोपी आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने बच्चे के लिए बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।